चैनल मिस्टर मिसेस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मुझे कुछ कमेंट आए थे गायनोवेदा वाले वीडियो में। मैंने गायनोवेदा का टैबलेट यूज़ किया था और उसके ऊपर एक सिस्टर का कमेंट आया है कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हो कि ये वीडियो है स्पॉन्सर वीडियो है और आप अपना रिजल्ट शेयर नहीं कर रहे हो। सुन के थोड़ा हंसी भी लगा मुझे कि मैं क्या इनको रिप्लाई करूं, बट मैं इसीलिए ये वीडियो शूट कर रही हूं ताकि मैं गायनोवेदा का रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकूं। सो गाइस, कुछ महीने पहले मैंने गायनोवेदा का टैबलेट जीव ऑर्डर किया था और उसके साथ आयरन फॉलिक एसिड मैंने यूज़ किया था। सो गाइस, आज मैं उसी के बारे में आप सबसे बात करूँगी और किस चीज़ से मुझे रिजल्ट मिला वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैंने 4 चीज़ें यूज़ की है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें मैंने यूज़ की है। फर्स्ट तो मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट यूज़ किया है, सेकंड हिना हेल्थ का ट्रीटमेंट यूज़ किया, थर्ड है गायनोवेदा का जो जीव आयरन फॉलिक एसिड है वो मैंने यूज़ किया एंड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को भी यूज़ किया। अब चारों चीज़ों से किस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिला और चारों चीज़ों को मैं पिछले एक साल से समथिंग मुझे 2 साल से मैं ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए, तो उसके लिए मैंने इतने सारे चीज़ों को ट्राई किया है। डॉक्टर मेडिसिन भी लिया, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी लिया और रिजल्ट मुझे किस चीज़ से आया वो चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करूँगी और एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगी कि किस चीज़ से मुझे क्या फ़र्क हुआ और किस चीज़ से मुझे क्या रिजल्ट। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं बात कर लेती हूँ अपने डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रही थी, काफ़ी टाइम से ले रही थी मैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट और 6 मंथ तक करीब मेरा फॉलिकल स्टडी हुआ। फॉलिकल स्टडी मेरा 6 मंथ तक हुआ पर उसमें मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। लास्ट में डॉक्टर ने मुझे लेप्रोस्कोपी करने के लिए बोला और IVF का सजेस्ट किया, IVF करवा लो आप या फिर आप लेप्रोस्कोपी पहले लेप्रोस्कोपी करेंगे उसके बाद आपका IVF के लिए हम ट्राई करेंगे। सो गाइस, मेरे हस्बैंड ने पूरी तरीके से मना कर दिया तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया और मैं अभी डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ और ना ही मैंने IVF वगैरह या लेप्रोस्कोपी करवाया क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है तो मैं ये सब नहीं करवाई। सेकेंड जो है हिना हेल्थ, तो हिना हेल्थ का ट्रीटमेंट भी मैंने 4 महीने तक यूज़ किया और सच बताऊँ तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। पहली बात तो हिना मैम हमारे कोई भी कॉल का या मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, उस चीज़ से मुझे बहुत हर्ट हुआ था और मैं मरते मरते हिना हेल्थ के ट्रीटमेंट से मरते मरते बची हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गया था उससे और बस इतना है कि मेरी जान नहीं गई। लेकिन उस चीज़ को मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वो अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइड नहीं करती हैं। तो मैं, अगर आप लोग मेरे वीडियो देखकर हिना हेल्थ से कांटेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना और उससे कांटेक्ट करने से पहले आप लोग उसके बारे में डिटेल जान लीजिए कि हिना हेल्थ का जो प्रोडक्ट है उसमें मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं किया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गई मुझे और बहुत सारे तकलीफ़ को मैंने झेला। मुझे इतने सारे तकलीफ़ अपने लाइफ में कभी नहीं हुआ था जितना तकलीफ उनके प्रोडक्ट को यूज़ करने से हुआ। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप उनके प्रोडक्ट को यूज़ करो। तो आप अगर यूज़ कर रहे हो तो अपने रिस्क पे आप उसको यूज़ करें। मेरी कहने पे मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप उनके प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। सो गाइस, थर्ड जो मेरा रिव्यू है वो है गायनोवेदा का। तो गायनोवेदा का जो मैंने एक ही उसका जीव एक ही मंथ मैंने यूज़ किया था, जीव एंड आयरन फॉलिक एसिड, जब मैंने उसको यूज़ किया था उस टाइम से इस टाइम तो मेरा पीरियड टाइम पे आ गया था, जैसे 30 डेज पे मेरा पीरियड आ गया था। बट जब मैं उस टैबलेट को यूज़ कर रही थी तो उस टाइम में मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने लगा था, मेरा पेट ठीक से साफ़ नहीं हो पा रहा था और पेट में थोड़ा हल्का मुझे दर्द भी महसूस होता था, खाना वाना भी नहीं खा पाती थी क्योंकि मेरे पेट साफ़ नहीं हो रहा था। तो उस चीज़ को मैं छोड़ दी और मैं उसको ज़्यादा दिन तक नहीं ली क्योंकि उससे मुझे बहुत परेशानी, करीब मैं उसको 15 दिन तक समथिंग ली थी और उसको लेते हुए मुझे प्रॉब्लम होने लगा और ऐसे ही मुझे प्रॉब्लम होना, पेट में दर्द होना, पेट मेरा फुला फुला सा लगता था क्योंकि वो मेडिसिन है गाइस और इसी के लिए बना है, फर्टिलिटी के लिए ही बना है वो मेडिसिन। तो मेडिसिन के तरह ही हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक की बॉडी टाइप अलग होती है, तो वो मेरी बॉडी पे हीट कर रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया और मैं उसको नहीं ले रही हूँ। तो ये है रिव्यू और मैंने स्पॉन्सर वीडियो उसके लिए नहीं बनाया था डियर, मैंने अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। जब मैंने उसको लेना स्टार्ट किया था तब मैंने उसका वीडियो बनाया था और आप सबसे शेयर किया था कि मैं इसको ले रही हूँ, पर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ इसीलिए मैंने उसका कोई रिव्यू आप लोगों को नहीं दिया। ताकि गाइस, सभी लोग उम्मीद बना के रखते हैं कि अगर ये ले रही है तो इनको कंसीव हो जाएगा, तो हमें भी कंसीव हो जाएगा तो हम भी लेते हैं।
फ्रेंड्स, उससे भी मुझे कोई फायदा नहीं मिला और ना ही मुझे उससे भी कोई रिजल्ट मिला। सो गाइस, लास्ट मेरा बचा हुआ है वो है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। सो गाइस, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में मैं पिछले 5 साल से जानती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक वेलनेस कोच है, तो बहुत टाइम से मैं उसको जानती हूँ। लेकिन मैं बिलीव नहीं करती थी और मैं लेती भी नहीं थी। लेकिन जब मुझे इतने सारे प्रॉब्लम हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि एक बार इसको ट्राई करके देख, तुझे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मेरे हस्बैंड के कहने पर मैंने उसको ट्राई किया और अब मैं बताती हूँ अपना फाइनल रिजल्ट। इतना बेहतरीन तरीके से मेरा रिजल्ट उसमें आया, मैं कंटिन्यू उसको ले रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फर्स्ट तो जो मेरा पीरियड साइकिल इनरेगुलर था, 2 to 3 months में आते थे, वो मेरा रेगुलर हुआ। मेरा अंडे नहीं बन पा रहे थे, ओवुलेशन नहीं हो पा रहा था, मेरा ओवुलेशन होना स्टार्ट किया। मेरा वेट भी कम हुआ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था पीसीओडी की वजह से, वो मेरा ठीक हुआ। मेरा पीसीओडी में जो सिस्ट मेरा बना हुआ था, वो सिस्ट रिड्यूस होना शुरू हुआ। तो इतने सारे मेरा रिजल्ट उसमें आया। और उसके बाद मेरे जब PMS मुझे होता था, उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प होता था मेरे पेट में, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ होता था उससे, तो वो चीज़ मेरी ठीक हुई। एंड मेरे बैक में मुझे पेन रहता था, जैसे ही मैं खड़ी हूँ और अगर मैं बेड पे लेटती, तो मेरा जो हड्डी है एकदम कट कट करके आवाज़ आता था, मुझे बहुत उससे मतलब दर्द होता था, तो वो चीज़ भी मेरी ठीक हुई। मैं चिड़चिड़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ही लेजीनेस रहता था मुझ में, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आता था और मैं एक्टिव ही नहीं रह पाती थी। तो जब से मैं इसको ले रही हूँ, मैं बहुत ही मुझे एनर्जी फील होता है, एक्टिव में रहती हूँ, और अब मैं इसको कंटिन्यू ले रही हूँ। तो ये है मेरा हर्बल लाइफ का रिजल्ट। क्योंकि गाइस, सबसे पहली बात, वो कोई मेडिसिन नहीं है, वो एक न्यूट्रिशन है, एक पोषक तत्व है, जो हमें खान पान के ज़रिए हमको नहीं मिल पाता, वो सारी चीज़ें हमको उस चीज़ में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में शेक में मिल जाता है। तो अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं उसको किस तरीके से लेती हूँ। मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया कि मैं इसको किस तरीके से लेती हूँ, किस तरीके से बनाना है, और इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। गाइस, आप लोगों के लगेगा कि मैं उसको यूज़ कर रही हूँ या नहीं, और आप लोगों ये भी सोचोगे कि ये ऐसी बोल रही है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो, मैंने शेक बनाया हुआ है, आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। सो गाइस, ये है मेरा शेक, अरे मैं बनाई हूँ और इसको आप लोगों के सामने मैं ले रही हूँ, क्योंकि गाइस इसकी वजह से मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हुई और लाइफ टाइम तक मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। सो गाइस, मेरा रिजल्ट यही है कि मुझे किसी चीज़ से नहीं, किसी मेडिसिन से नहीं, ना डॉक्टर से, ना ही ना हेल्थ से, ना गायनोवेदा से, बस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से, जो हमारा खान पान एक तरीके का खाना पीना है, जो हम थाली में खाते हैं, वो ग्लास के फॉर्म में हमें मिलता है, और इसकी वजह से मुझे बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई। तो मेरा विश्वास यही है, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप अपने हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, अपने वेट को भी लूज़ करना चाहते हैं, हर प्रकार के कोई भी प्रकार के आपको हेल्थ इशूज़ है, तो आप इसको ट्राई करें, ना कि कोई मेडिसिन को, क्योंकि मेडिसिन हमेशा हमारी बॉडी को नुकसान ही देगा। सो गाइस, ये है मेरे रियल रिव्यू। तो आप लोग इस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या परेशानी है। और गाइस, मैं किसी भी वीडियो का स्पॉन्सर नहीं करती हूँ, और ना ही अब तक मैंने कभी किया है। मैं इसको यूज़ की, इसका रिजल्ट मुझे मिला, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो गाइस, ये है पान फ्लेवर एंड आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।